हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल हिमबस में। अभी आप देख रहे हैं हमारी वार्ड वन सीरीज़, और पिछले पार्ट में हम किश्तवाड़ से वायलू पहुंच गए थे। वायलू को एक तरह से वार्ड वन घाटी का एंट्री पॉइंट कहा जा सकता है। आप जम्मू, श्रीनगर या फिर किश्तवाड़ कहीं से भी आएं, आपको पहले यहां तक आना होता है। हम JKSRTC की किश्तवाड़ श्रीनगर बस से दोपहर 12:45 बजे यहाँ पहुँच गए। वायलू इस किश्तवाड़ श्रीनगर हाईवे का एक छोटा हाल्ट पॉइंट है। ये कश्मीर के कोकरनाग सब डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और वायलू से अनंतनाग आगे 30 किलोमीटर जबकि श्रीनगर करीब 90 किलोमीटर दूर है। वायलू से अब हम इंचन जाएंगे जो कि 65 किलोमीटर दूर है, लेकिन इसमें करीब 4 घंटे लग जाते हैं। इंचन वाडवन घाटी का सबसे पहला गांव है। हालांकि वायलू से भी इंचन की डायरेक्ट टैक्सी नहीं मिलती, तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा लारनू। वायलू से लारनू 9 किलोमीटर दूर है और शेयर टैक्सीज लगी रहती हैं। वायलू से लारनू का किराया 20 रुपये है। अब हम चल पड़े हैं वायलू से वार्ड वन के सफ़र पर। इस रास्ते पर सुमो और टवेरा जैसी शेयर टैक्सीज ही चलती हैं, बसेस इस रूट पर नहीं जाती। दक्सुम की ओर से आती ये खूबसूरत भृंगी नदी के साथ साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। वार्ड वन में कोई पेट्रोल पंप भी नहीं है। आखिरी पेट्रोल पंप आपको यहाँ डांडीपोरा में मिलेगा जो कि श्रीनगर हाईवे पर ही है। मोबाइल नेटवर्क यहाँ तो अच्छा है, पर लारनू के बाद नेटवर्क कनेक्टिविटी कम ही है। वैसे भी जम्मू कश्मीर में बाहर के स्टेट की सिर्फ पोस्टपेड सिम ही काम करती हैं। डांडीपोरा के बाद इस बिधाड़ ब्रिज से फिर हम लेफ्ट के लिए टर्न लेंगे। अभी हम इस पॉइंट पर हैं। अगर आप किश्तवाड़ से अपनी गाड़ी से आ रहे हो तो पीछे से ही लारनू की ओर मुड़ सकते हैं। अब लग रहा है कि हम कश्मीर के इंटीरियर में पहुंच गए हैं। रास्ते अब सिंगल लेन हो गए हैं और इन छोटे छोटे गांव से होकर हम आगे जा रहे हैं। दक्सुम, वायलू और ये सारे गांव कश्मीर डिवीज़न में हैं। दरअसल सिंथन टॉप पार करके हम कश्मीर में आ गए थे और अभी मरगन टॉप की ओर जा रहे हैं। मरगन टॉप पार करने के बाद फिर हम दोबारा जम्मू डिवीज़न में प्रवेश कर जाएंगे। ये है लारनू की छोटी सी मार्केट जहां ज़रूरत का सारा सामान मिल जाता है। और जल्दी ही हम पहुंच गए लारनू टैक्सी स्टैंड। यहां से वायलू, वाडवन और वाडवन के आगे माडवा के लिए टैक्सीज मिल जाती हैं। अब दिक्कत ये है कि टैक्सीज यहां एकदम भर के जाती हैं, यानी इस सुमो में ड्राइवर के अलावा 10 से 12 लोग बैठकर जाते हैं, तो बीच में रुकना या फिर कुछ शूट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हम 2 लोग हैं तो हमने एक टैक्सी वाले को 4 सीट्स के पैसे दिए ताकि हम बीच में 2-3 जगह रुककर और कैमरा इक्विपमेंट भी थोड़ा खुलकर यूज़ कर सकें। पार्किंग के सामने यहाँ खेत हैं और अब हल्की बूंदाबांदी भी होने लगी है। ड्राइवर साहब अभी बाकी सवारियाँ ढूंढ रहे हैं, तो हमने तब तक यहाँ कुछ हल्का फुल्का खा लिया। ये कचौरी 5 रुपए की है और ये बिस्किट का डिब्बा भी हमने साथ ले लिया।
फिर जल्दी ही ड्राइवर साहब आ गए और हम 1:30 बजे यहाँ से आगे चल पड़े। 4 सीट्स में हमने ड्राइवर को कहा था कि आगे की 2 पर मैं और पीछे की 2 पर मेरा दोस्त बैठ जाएगा, पर 4 लोगों की फैमिली आ गई और उनके साथ एक छोटा बच्चा भी है, तो फिर हमने बीच वाली पूरी रो उनको दे दी। दो चार गांव से होकर फिर हम गौरन गांव में इस होटल इरफान पर खाने के लिए रुक गए। अभी हमें चले हुए 1/2 घंटा ही हुआ है, पर फिर आगे ज़्यादा ऑप्शंस नहीं मिलेंगे। यहां हम खाने के लिए बैठ तो गए, पर यहां कुछ भी वेजिटेरियन नहीं मिलता। मैं अंडा खा लेता हूँ, तो मैंने ऑमलेट राइस खा लिया, पर मेरे दोस्त अनुज को बिस्किट से ही काम चलाना पड़ा। ढाई बजे फिर हम यहाँ से आगे चल पड़े। इस गांव के बाद अब खूबसूरत मरगन टॉप की चढ़ाई शुरू हो जाएगी। अगर सिंथन टॉप रिमोट था तो ये पास तो उससे भी ज़्यादा रिमोट है। लेकिन यहाँ की खूबसूरती देखिए, हरे भरे पहाड़, खुली वादियाँ और बीच से बहती ये पानी की धाराएं। टूरिस्ट अभी यहाँ पर बहुत ही कम आते हैं, शायद इसीलिए ये जगह नेचर के उतना करीब लगती है। आपसे भी गुजारिश रहेगी कि अगर आप कभी इस तरफ आओ तो प्रकृति का खास ध्यान रखें और स्पेशली कूड़े को इधर उधर मत फेंकिए। ऊपर यहाँ लेहन वन के हेजलनट फार्म्स हैं और यहाँ हर तरफ हरी भरी घास है, तो गांव वाले अपने जानवरों को यहाँ ऊपर चराने के लिए ले आते हैं। इस एरिया में बकरवालों की काफ़ी झोंपड़ियां भी हैं। बकरवाल यानी कि यहाँ के नोमड लोग, जो कि जम्मू और बाकी जगह से इन वादियों में अपनी भेड़ बकरियों के साथ आ जाते हैं। बीच में भी 1-2 शॉप्स आपको मिलेंगी, पर कम ही हैं। अगर खाने पीने का सामान लाना है तो गौरन गांव से लाना ही बेस्ट है। ये रास्ता भी अभी 10 साल पहले ही बना है, उससे पहले लोग पैदल ही इस तरफ आते जाते थे। अभी मरगन टॉप तक तो पक्का सिंगल लेन रोड बन गया है, पर उसके आगे वाडवन तक काम चल रहा है। उम्मीद है अगले साल तक वाडवन तक पूरा रोड पक्का हो जाएगा। और यहाँ मरगन टॉप के पास इस तरफ मौसम अक्सर खराब ही रहता है, यानी कि धुंध छाई रहती है। मरगन में मर का मतलब होता है डेथ यानी कि मौत, और गन का मतलब है वैली यानी कि घाटी। तो इस पास का भी लिटरल मीनिंग है वैली ऑफ डेथ। आपकी तरह मैं भी यही सोच रहा हूँ कि कितने सारे हाई अल्टीट्यूड पासिस का यही मतलब निकलता है, जैसे मरगन, रोहतांग वगैरह।
ऐसा इसीलिए क्योंकि अनप्रिडिक्टेबल वेदर कंडीशंस की वजह से इसे पार करना काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहता है। तो ये है मरगन टॉप, जो कि वाडवन घाटी का प्रवेश द्वार है। टॉप पर पहुंचकर एक लंबा सा प्लेन रोड है और दोनों तरफ खुले घास के मैदान। इन लंबे घास के मैदानों में आजकल हज़ारों भेड़ बकरियां चरती हैं, जिन्हें गुज्जर और बकरवाल यहां लेकर आते हैं। यहाँ अब हम कश्मीर डिवीज़न छोड़कर वापस जम्मू डिवीज़न के किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में आ गए हैं। इस पास की ऊंचाई 3,750 मीटर है, यानी कि सिंथन टॉप से कुछ ही मीटर कम है। सिंथन टॉप 3800 मीटर की ऊंचाई पर था। हालांकि ये पास ज़्यादा रिमोट है, तो बर्फ़बारी होते ही यहाँ रोड क्लियर करने की कोशिश ना के बराबर होती है। मरगन टॉप सबसे ज़्यादा फेमस है चौहारनाग के लिए। चौहारनाग यानी चार लेक्स जो पास के ऊपर पहाड़ी के टॉप पर हैं। वहाँ से कश्मीर घाटी के 360 डिग्री व्यूज़ मिलते हैं और सुंदरता का तो कोई जवाब ही नहीं। इस सीरीज़ के लास्ट पार्ट में जब हम वाडवन से वापस आएंगे तो चौहारनाग होकर जाएंगे। अभी चलते हैं सीधे वाडवन की ओर। तो ये लंबा 3-4 किलोमीटर का रास्ता पास का टॉप ही है। आप कहीं भी उतर सकते हैं, पर अगर चाय पानी का आनंद लेना है तो एकदम एंड में आकर कुछ शॉप्स हैं। यहाँ जो पीछे आप आधे बने घर देख रहे हैं, ये जेके टूरिज्म की हट्स हैं। अभी एक दो साल से इनका काम रुका हुआ है। गर्मियों में यहाँ स्टे करने का ये बहुत अच्छा ऑप्शन साबित होंगी। हालांकि यहाँ का मौसम इतना अनप्रिडिक्टेबल रहता है कि एक पल में धूप, दूसरे पल में तेज़ हवा और फिर तीसरे पल तेज़ बारिश। अभी कुछ खाने पीने की तो भूख नहीं है, इसलिए हम जल्दी यहाँ से आगे चल पड़े। यहाँ से वाडवन अब बस 25 किलोमीटर दूर है, पर रास्ता कच्चा है। मरगन टॉप तक तो रास्ता पक्का था, लेकिन अभी आगे का काम चल रहा है। उम्मीद है कि ये सर्दियां आने से पहले वाडवन तक पक्का रास्ता बन जाएगा। बारिश की वजह से कीचड़ हो गया है, तो थोड़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही है। ये साथ में जो गड्ढा है, ये जियो फाइबर के लिए है, जो साथ साथ बिछाई जा रही है। ये जेसीबी फाइबर के लिए गड्ढा बनाते हुए जा रही है। इतने पतले रास्ते पर अगर दो ट्रक्स आमने सामने आ जाएं तो पास देने में तो काफ़ी टाइम लग जाएगा।
यहाँ मर्गन टॉप से कई ट्रैकिंग रूट्स जाते हैं, जिनमें से पहलगाम जाने वाला 3-4 दिन का ट्रैक काफ़ी फेमस है, जो कई झीलों और सुंदर घाटियों से होकर गुजरता है। यहाँ से सिंथन टॉप तक भी 4 दिन का ट्रैक है, जिसके बीच 8 सुंदर झीलें आती हैं। तो इतनी सारी सुंदर घाटियाँ यहाँ हैं, लेकिन दूर होने की वजह से वार्डबन पहुँचना ही मुश्किल लगता है। इन ट्रैकिंग रूट्स के लिए तो लोकल लोगों से अच्छी जान पहचान होना बहुत ज़रूरी है। इस तरफ आने का बेस्ट टाइम है मई से सितंबर तक। रास्ते में कुछ लैंडस्लाइड्स भी हुए हैं, तो उन्हें क्लियर करने का काम भी चल रहा है। इन सुंदर रास्तों से होकर हम आगे जा रहे हैं। वार्डबन घाटी नीचे नदी के साथ ही है, तो गारोन से मर्गन टॉप तक हम ऊपर चढ़े और अब लगातार नीचे वार्डबन के लिए उतराई उतर रहे हैं। और यहाँ से वार्डबन घाटी के गांव की पहली झलक मिल जाती है। वार्डबन घाटी में करीब 14 गांव हैं, इनमें से आधे गांव तक रोड कनेक्टिविटी है और बाकी गांव के लिए पैदल ही जाना पड़ता है। ये जो नीचे बाटा गांव है, ये सबसे करीब लगता है क्योंकि ये पहाड़ी के इसी तरफ है, लेकिन यहाँ से कोई कनेक्टिविटी नहीं है। इस गांव के लिए आगे से घूमकर फिर सामने वाला ब्रिज पार करके आना पड़ता है। और ये सामने है इंशन गांव, जो घाटी के बीचों बीच है और बाकी गांव इसके लेफ्ट राइट में है। यहाँ सबसे पहले एक चेक पोस्ट आ जाती है, जहाँ एंट्री की जाती है। हमारा होटल यहाँ चेक पोस्ट के साथ ही है, तो हम यहाँ पर उतर गए। लारू से यहाँ तक पर सीट 250 रुपये किराया होता है, तो इस हिसाब से हमने 4 सीट्स का 1000 रुपये दिया। हमारे साथ जो शौकत जी आए थे, उन्होंने काफ़ी बार हमें अपने घर रुकने के लिए बुलाया, पर हमने कहा कि होटल की बुकिंग तो हो चुकी है, लेकिन कल चाय पीने आते हैं। यहाँ से आगे 2 किलोमीटर फिर आगे 3 किलोमीटर को बोल सकते हैं कि वो एसटीडी जो एसटीडी थी पहले। हाँ जी, हाँ जी, कल आते हैं। शौकत अहमद, शौकत एसटीडी, आपको बताना है। ये इसका नाम भी आपको याद है ना, इसका नाम भी शौकत एसटीडी नाम से पुकार आता है मुझे। कोई बात नहीं, आना सुबह। तो ये है हमारा होटल, जिसका नाम है वार्डबन रिजॉर्ट। यहाँ घाटी में एक दो कैंपिंग साइट्स तो हैं, लेकिन होटल बस यही है। अभिलाष भाई के एक दोस्त हैं रफीक भाई, ये उन्हीं की फैमिली का होटल है और रफीक के पापा ही ये होटल चलाते हैं। अभी 2 महीने पहले ही इस होटल को खोला गया है और अभी यहाँ पर थोड़ा बहुत काम भी चल रहा है। होटल में नीचे रेस्टोरेंट और एक रूम है और ऊपर की मंजिल पर 4 रूम्स हैं। कश्मीर से? नहीं नहीं, मैं हिमाचल से हूँ, ये जम्मू से। रूम्स काफी बड़े हैं और बेड भी अच्छा है। यहाँ पर रूम टैरिफ 1000 रुपए है। रूम से इस तरफ गार्डन का व्यू है और इस तरफ है खुली घाटी और सुंदर नदी।
यहाँ फिर सबसे पहले हमने आराम से बैठकर चाय पी। अब शाम हो गई है तो ज़्यादा दूर तो हम नहीं जा पाएंगे, इसीलिए नीचे यहाँ नदी के पास ही जाकर आते हैं। अंकल जी भी हमारे साथ आ गए। इंचन गांव वैसे सामने नदी के उस पार है और अंकल जी का घर भी वहीं है। यहाँ पर एक फिश पॉन्ड जिसे एक दो साल पहले बनाया गया है। और ये है मरुसुधर नदी जिसमें अभी काफी पानी है। ये ब्रिज भी अभी 4-5 साल पहले बनाया गया है। इससे पहले यहाँ पर एक लकड़ी का पुल होता था। इसके बाद फिर हम रूम पर आकर सो गए। यहाँ फोन नेटवर्क में BSNL कॉलिंग के लिए और जियो का बहुत हल्का इंटरनेट आ जाता है। हम दोनों के पास एयरटेल पोस्टपेड है तो हमारे फ़ोन काम नहीं करेंगे। तो दोस्तों, इस पार्ट को हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं। इससे अगले पार्ट में हम चलेंगे वाडवन घाटी की सैर पर और यहाँ के सारे गांव आपको घुमाएंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।